केन्द्रापड़ा प्रलय रचिछि यस श्रीहीन हो जाइछि अधा तुलसी क्षेत्र समुद्र पथर उग्र मुखा हो केन्द्रापड़ा रे तांडव रचिछि सीवियर साइक्लोन यस घटाइछि अवर्णनीय क्षति छिन्न छत्र हो जाइछि राजनगर आखपाख एरिया केउठी विदीर्ण हो जाइछि भूई त केउठी सृष्टि होइछि समुद्रर भ्रम चारिआडे केवल प्रलयर पदचिह्न राजनगर तालछुआरे तांडव रचिछि सामुद्रिक झड़ यस पाखापाखि शहे किलोमीटर बेगर बहिता पवन धराशायी होता बड़ बड़ गछ बिजुली खुंट मोबाइल टावर होर्डिंग गाँ पाखक आँ कर माड़ आसा समुद्र दीर्घ चारि घंटार अधिक समय धरी प्रलय रचि झड़ आउ थमी आखि को आसी प्रलयर परस्त चिह्न छारखार हो जाता भितरकनिका को संजोग करुवा रास्ता बाह्य जगतर विच्छिन्न हो जाता समुद्रकूलिया गाँ तालचुआ तालचुआ भली डांगमाल रंगणी भेकटा केरुआपाड़ हो व्यापक क्षयति मटे मिशि अनेक चाल छपर घर जलमग्न हो जामि खोलाठार नलितापाटिया और कृष्णनगर कनक नगर पर्यंत रास्ता पानी रे बुड़ी युद्धकालीन भित्तिर रास्ता सफा कार्य लगी ओड्राफ और अग्निशम टीम केन्द्रापड़ा रे प्रलय रजिछि यस एवं छिनछत्र हो जाइछि राजनगर आखपाख एरिया एनेक अधिक आलोचना करबा सीधासळख जिबा केन्द्रापड़ा राजनगर को सेठ अच्छा प्रतिनिधि कैलाश बेहरा कैलाश पूर्वर जो सूचना रही से सूचना मुताबक ही राजनगर में अधिक क्षयति होइछि वर्तमान केमिति चित्र रही केमिति चली पुनरुद्धार कार्य हाँ निहाती भाव में जी कह बात्यार प्रभाव देखाई केन्द्रापड़ा राजनगर और केन्द्रापड़ा केवल राजनगर विशेष भाव में क्षति है केन्द्रापड़ा जिलार पाखापाखि पांचटी ब्लक प्रभाव पड़ी और जदि कह समग्र केन्द्रापड़ा जिले में वर्षा पवन जारी रही है तेज जदि कह विशेष भाव में केन्द्रापड़ा जिलार राजनगर अंचल ही क्षतिग्रस्त करती राजनगर जो तालचुआ अंचल रही पाखापाखि सतटा पंचायत ये विशेष भाव में क्षतिग्रस्त हो गत राति जो भाई भाव में वर्षा पवन लग रही है आज दिन तमाम आज कह सका समय यार प्रकोप अधिक बढ़िवार कह फल अधिक पवन और वर्षा फल गछ उपुड़ा सहित अनेक विद्युत खुंट गुड़िक रास्त पड़ रही जहाँ फल विद्युत सर तेज रास्ता सफे सह रेस्क्यू ऑपरेशन जोरदार होइछि केन्द्रापड़ा रे एवं केन्द्रापड़ार श्रीहीन हो जाइछि अधा तुलसी क्षेत्र समुद्र पथर उग्र मुखा हो केन्द्रापड़ा रे तांडव रचिछि सीवियर साइक्लोन यस अवर्णनीय क्षति घटाइछि रास्ता रे बड़ बड़ गछ सब उपुड़ी पड़ी रास्ता ब्लॉक हो रही जोगाजोग विच्छिन्न हो जाइछि विभिन्न अंचल को विशेषकर तालचुआ कथा जदि कहिबा तालचुआ वर्तमान जलबंदी अवस्था अच्छा तालचुआवासी तल स्थान जो लोक मैंने ऊपर स्थान को एवं बात्या आश्रयस्थल को नि स्थानातर कर किंतु पुनरुद्धार कार्य बात्यार परवर्त समय रे, जो प्रलयर चित्र सामना को आसला वर्तमान पुनरुद्धार कार्य लगि पड़ते एनडीआरएफ ओड्राफ टीम एवं अग्निशम जो टीम अच्छा से पुनरुद्धार कार्य जोरसोर लगि पड़ते पुणि थर आम प्रतिनिधि कैलाश साहू आम सहित जोगाजोग अच्छा कैलाश जानवा को चाहिए वर्तमान चित्र कौन रही निहाती भाव बर्तमान जदि कह बात्या क्रस कर जाए सत कि यार जारी रही आम देखा चाहिए जो राजनगर अंचल दृश्य रही ये जदि कह गुड़ी हूँ चाष जमी यार समुद्र उच्च जुहार जो एगुड़ समुद्र लुणी पा समग्र बिल माड़ जाए जो भाव में पवन जारी रही वर्षा जारी रही निहाती भाव में लोकों मध्य एवं भय रही सनता रही कारण जो भाई भाव में सका और गत का राति में पवन होता वर्षा होता निहाती भाव लोकों मध्य भय रही सेपटे जब कह जुआड़े भी देखिले निहाती भाव में एक बना भाई चित्र देखा कारण जुआड़े अनैले केवल जल ही जल सबु बिल हूँ गाँव हूँ सबुठ जलमग्न हो पड़ी कारण जो भाई भाव में तीन दिन धरिक लगाण बर्षा लगी रही है जो भाई भाव में पवन रही बाद समुद्र अशांत रहा फल जो भाई भाव में उच्च जुआर आसला जहाँफल चाष जमी गुड़िक जलमग्न होती जब कह आज जो भाई भाव में बात पवन प्रभाव पड़ा अनेक घर भांगी जाती अनेक चाल छपर घर उड़ी जाती अनेक आदिवासी घर भांगी जाती है जो रोहित नलीपाटी नलितापाटिया रास्ता जेहतु समुद्र अत्यधिक जुआर आसा फल रास्ता सहित जोाजोग विच्छिन्न हो जाता तालचुआ को संपूर्ण भाव में यापर जब कह जिला प्रशासन पक्षर पुनरुद्धार करने व्यापक व्यवस्था करो लोकों मध्य भय रही कारण अनेक जो रही तटवर्ती गांव गुड़िक रही सेगुड़
गाँ शून्य कर रही से प्रशासन पक्ष व्यवस्था कर जिले में पाखापाखि लक्षे पांच हजार ऊर्ध लोक स्थानातर कर रंधा खाद्य शुखला खाद्य व्यवस्था करोर भय रही है जो भाई भाव में आशा कर आशंका कर विशेष भाव में राजनगर अंचल और राजनीति अंचल से क्षति क्षयति कर राजनगर कालचू अंचल विशेष भाव में व्यापक भाव में क्षति क्षयति होती अन्य स्थान जी कह केन्द्रापड़ा जिले जिलार विभिन्न स्थान में यार प्रभाव पड़ी पवन और बर्षार पाखापाखि जिलार अधिकांश अंचल में जलमग्न हो पड़ी और अनेक जगार जिलार विभिन्न स्थान में गठ भांगी और मुकाबला करने जिला प्रशासन पक्ष व्यापक प्रस्तुति कर जिलार जो रही विद्युत विभाग हूं कि अन्य जो विभाग रू से पुन थे पुनरुद्धार के विद्युत सरबराह के भाव पुनः कार्यक्षम हो से लग पड़ती कार्य सेपट जब कह जो पांचटी एनडीआरएफ टीम रखाला और जो रही चारोट ओडीआरएफ से गत काली रात आम चित्र देखी जो भाव में सांगे सांगे जो भी गठ भी पड़ूला रास्ता अवरोध होता सेठे एनडीआरएफ हूं ओडीआरएफ हूं कि अग्निशम विभाग हूं सेठार पहुंची तुरंत रास्ता क्लीयर करते जो विद्युत खुटी पड़ता से समस्त रास्ता क्लीयर कर लगे आज जो चित्र रहा पवन बर्षा सत्वे भी कम कर विभिन्न स्थान पुनरुद्धार कम जारी रही जो घर उपर गत पड़ रही जगार घर उपर विद्युत झुट पड़ रही अनेक के लोक गाँव को घर को फेरी जाता बेले अनेक लोक ये भी बात आश्रय स्थल आश्रय नहीं जो मान घर भांगी जाती आदि कह सब गुरुत्वपूर्ण कथा है जेहतु समुद्र अत्यधिक जुआर आसला लगा बर्षा फल अनेक अंचल अनेक गाँ जलमग्न होती जेहतु कह विशेष भाव में राजनगर और महाकड़पड़ा अंचल विशेष जगह छोट छोट घर को लेकिन गोटे गोटे गाँ पड़ी था विभिन्न फाका जगह तेणुक जेहतु पा माड़ जाती तेणुक अनेक लोक अबुझा जलबंद अवस्था अच्छा सेठार रही है अग्निशम विभाग और जो उद्रा टीम सेठार जा लोक जो गाई बात रही है से उधार करणाई बात जो मैंने रही जाते गाँव भितर से निकट को किभली भाव में खाद्य जोगाई दिजाई से प्रशासन पक्ष व्यवस्था करें कह आज हेमंत शर्मा निजे वरिष्ठ हाँ निहत गोटे आज जब कथ कह वरिष्ठ प्रशासन हेमंत शर्मा निजे आसते राजनगर अंचल निहत भाव में कह जब कह बात्यार प्रथम कमी एवं दिन सुधा बात्या सर जाती सत चली जाती सत कि एवं जो दृश्य रही आम जो रास्तार चित्र रही पवन एवं भी रही जो भाई भाव सका रही है एवं भी से भाई जो तीव्रता रही किसी मात्रा में कम रही कि पवन रेग अधिक रही जी आसवे असुविधा होती भाव में जो रही दृश्य रही बिल हूं कि अन्न अंचल हूं एवं भी जलमग्न ही अवस्था रही जो बिल गुड़िक दृश्य रही जो भाई भाव जी भी देख निहाती भाव एक बनार भ्रम सृष्टि करुच्ची निहाती भाव जुआड़े अनेक भी पा आखिरी पाना जो भाई भाव में समुद्र उग्र रूप नहीं जब कह चाष जमी गुड़िक संपूर्ण भाव में नष्ट कारण जो भाई भाव में बनार बना समुद्र अत्यधिक अशांत फल लुणी पा माड़ जाती जहाँफल चाष लोक प्रभावित होवार आशंका देखा जाती कारण जो भाई भाव में समुद्र जुहार माड़े लुणी पा माड़ था बर्तमान लोक मैंने सेमती अवस्था अच्छा विपद संकुल अवस्था अच्छा जो मैंने बात्या आश्रयस्थल राति मुंड गुंजी कि दुई दिन है जो मैंने आश्रय खोजी बात्या आश्रयस्थल बर्तमान से घर को फेरी पार ना कहीं से घर हुए तो मटी मिशि सारी चारिड़े जेहेतु पा ही पा देखा मिलूँ बर्तमान तो से नहीं बर्तमान चिंतार एरिया में 160 से 170 और गस्टिनेस में 190 किलोमीटर प्रति घंटा को जो विंड स्पीड रहा इसमें लार्ज स्केल डैमेज भी हुआ स्ट्रक्चर्स को और 3 से 4 मीटर हाइट का सामुद्रिक लहर भी लो लाइंग एरिया में इनंडेशन किया। बारिश भी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया गुजरात की कुछ क्षेत्र में और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी आपका जो बारिश रहा लगभग सभी जगह में बारिश हुआ और कहीं कहीं हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी हुआ। ऐसे कि उत्तराखंड में भी इसके प्रभाव में वेरी हैवी रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया, नेपाल तक इसका प्रभाव भी रहा। फिर ये साइक्लोन जाते जाते और एक साइक्लोन डेवलप हुआ बे ऑफ बंगाल पे जिसका नाम रहा यस। यस साइक्लोन 22 तारीख को
एक लो प्रेशर एरिया जैसे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और इसका अंडमान सागर के पास केंद्रीभूत रहा और धीरे धीरे ईस्ट सेंट्रल पे और बंगाल पे एक डिप्रेशन का रूप लिया 23 तारीख को, और ये उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा पे गति करके आज दोपहर तक 10:30 से 11:30 के बीच तट को पार किया। तब इसका विंड स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होने का एस्टिमेट किया गया। इसके साथ जो ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र रहा वो रहा अंडमान निकोबार आइलैंड, जब डिप्रेशन इसके पास खड़े थे। इसके बाद ओडिशा और वेस्ट बंगाल के ऊपर इसका प्रभाव रहा, और आज और कल सुबह तक झारखंड में इसका प्रभाव होने का भी उम्मीद है। ये डायरेक्ट हिट ओडिशा कोस्ट को करते हुए सबसे ज़्यादा बारिश ओडिशा में रिकॉर्ड किया गया। सामुद्रिक लहर 2 से 4 मीटर ऊंचाई का नॉर्थ ओडिशा और एडजेनिंग वेस्ट बंगाल का जो डिस्ट्रिक्ट से जैसे बालासोर, भद्रक, मेदिनीपुर और 24 परगना में रिकॉर्ड किया गया। सो दोनों साइक्लोन का हम कंपेयर करें तो जो साइक्लोन अरबियन सी में डेवलप हुआ वो एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म रहा, जब तट को पार कर रहा था विथ विंड स्पीड ऑफ 160 to 170 गस्टिंग 290 kmph, जबकि ये साइक्लोन यस इस कंपैरिजन में लेस इंटेंस रहा और 130 to 140 kmph विंड स्पीड के साथ तट को पार किया। दोनों का बारिश का हम तुलना करें तो यस साइक्लोन में बहुत ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड किया गया है और आज भी बारिश होने वाला है। मैक्सिमम रेनफॉल 29 सेंटीमीटर चांदबल में रिकॉर्ड किया गया था आज, जबकि मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ 23 सेंटीमीटर रिकॉर्ड हुआ था गुजरात के साइक्लोन पे। जो सामुद्रिक लहर स्टॉर्म सर्ज 2 से 4 मीटर एबोव एस्ट्रोनॉमिकल टाइड होने का पूर्वानुमान था और ऐसे ही होने का भी एस्टिमेट हो रहा है मेदिनीपुर, 24 परगना, बालासोर, भद्रक जिले पे, जबकि गल्फ ऑफ कंबत एरिया में और दीव से शुरू करके जो इलाका है राइट में उस इलाका में 3 से 4 मीटर हाइट का स्टॉर्म सर्ज आने का भी एस्टिमेटेड है। आगे किधर किधर बारिश एक ही विशेष सूचना यही है कि आज पूर्णिमा है, इसलिए जो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टाइड होता है वो एस्ट्रोनॉमिकल टाइड के साथ ये जो टाइड दिखाई दिया। सो अभी दोनों साइक्लोन का आप ट्रैक देखें, ट्रैक लेंथ जो है बहुत बड़ी थे साइक्लोन ताऊते का, लक्षद्वीप एरिया से शुरू करके राजस्थान तक। जब साइक्लोन यस का आप देखेंगे इसका जो ट्रैक लेंथ है वो लगभग 1000 किलोमीटर है और ताऊते का लेंथ था लगभग 1800 किलोमीटर। लाइफ पीरियड देखें ताऊते लगभग 5.5 डेज पीरियड का था, मगर ये जो यस साइक्लोन लोग 4 दिन का है। कोई एक साइक्लोन का डैमेजिंग पोटेंशियल कितना है इसको मेजर करने के लिए इसका विंड स्पीड को हम देखते हैं। इसके हिसाब से देखें जो ताऊते साइक्लोन था इसका जो डैमेजिंग पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू साइक्लोन यस। सिमिलरली आप जो लॉसेस होता है लॉस ड्यू टू साइक्लोन्स जिसको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं वो भी देखें तो ताऊते साइक्लोन का जो लॉस
प्रोबेबल लॉस होता है वो यस साइक्लोन के हिसाब से ज़्यादा है। जब साइक्लोन तट के पास धीरे धीरे मूवमेंट करता है, तट को पार करने के लिए ज़्यादा टाइम लेता है, तो इसका मतलब यही होता है कि इसका इम्पैक्ट ज़्यादा तट के ऊपर होता है। आपको याद होगा कि तौते साइक्लोन जब तट को पार कर रहा था, इसका रफ्तार था लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटा, मगर आज जब साइक्लोन यस तट को पार कर रहा था, इसका रफ्तार था 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये साइक्लोन बहुत जल्दी तट को पार किया और तौते साइक्लोन धीरे धीरे पार कर रहा था। ये भी और एक वजह था क्योंकि तौते साइक्लोन से ज़्यादा डैमेजिंग इम्पैक्ट तटीय इलाके में रहा। ऐसे ही जब ज़्यादा देर तक कोई साइक्लोन लैंड के ऊपर रहता है, वीक जल्दी नहीं होता है, जो कि हुआ तौते साइक्लोन के साथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, इसमें भी ये कारण रहा। मगर इस केस में जो साइक्लोन का वीकनिंग है वो बहुत फास्ट हुआ, जस्ट कोस्ट पार करने के बाद यह वीक होकर एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत हो गया और अगले 3 घंटे में ये एक साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत हो जाएगा और कल सुबह तक ये एक डिप्रेशन में परिणत होकर झारखंड चला जाएगा। सो मेरा मतलब है कि जो साइक्लोन डेवलप होता है सालों भर, जैसे कि एक हफ्ता के अंदर की लगातार डेवलप होता है, ये जरूरी नहीं कि सभी का कैरेक्टरिस्टिक समान रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होता है। वो सभी को हम भारत मौसम विज्ञान विभाग, पृथ्वी मंत्रालय के सभी सदस्यों के साथ मिलकर मॉनिटरिंग करते हैं। हमारे जो संस्थाएं हैं, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, नेशनल सेंटर फॉर मीटरोलॉजी वेदर फोरकास्टिंग, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, सभी मिलकर सभी तरीके का ऑब्जर्वेशन हम लेने के लिए कोशिश करते हैं। हाई पावर कंप्यूटिंग सिस्टम के जरिए लगभग 7 मॉडल हम मिनिस्ट्री ऑफ साइंसेस में रन करते हैं और मॉडल आउटपुट को एनालिसिस करने के लिए इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में हम एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन सपोर्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर बेस्ड टूल यूज करते हैं। और जब भारत मौसम विज्ञान विभाग का सभी साइंटिस्ट का एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज और नॉलेज को लेकर सभी ऑब्जर्वेशन से मॉडल आउटपुट को एनालिसिस करके फाइनल पूर्वानुमान आप लोगों के जरिए लोगों के पास और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास पहुंचाते हैं। ये रीजन है जिसकी वजह से आप देखेंगे ये जो मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस लिया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग में, साइक्लोन वार्निंग का जो एक्यूरेसी है रिसेंट ईयर्स में बहुत अच्छा है और विश्व में कोई भी साइक्लोनिक सेंटर के साथ आप कंपेयर करें, हम किसी के पीछे नहीं है, वरन आगे है। सो आप लोगों के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये जो दो दो साइक्लोन अभी लास्ट 2 वीक्स में आया है, इसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार सभी मिलकर बहुत अच्छा रूप से इसका सामना किए हैं। जब भी हम लोग जानते हैं कि अभी कोविड का एक भी डिजास्टर हमारा देश में चल रहा है, फिर भी हम कोविड का नियम पालन करते हुए दोनों साइक्लोन का सभी ऑब्जर्वेशंस, मॉनिटरिंग, फोरकास्टिंग, अर्ली वार्निंग सर्विसेज भी भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से दिए गए हैं और सभी केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं बेसरकारी संस्था, मीडिया सभी मिलकर काम किए हैं और देश के हित में हम ये दोनों साइक्लोन का सामना करके धन जीवन का जो हानि होता है इसको कम करने के लिए कोशिश किए हैं। सर, इतने फ्रीक्वेंट साइक्लोन की क्या वजह आप मानते हैं? आपने कहा 2 अभी हो गया, अम्फन आया था, ज्यादा इतना फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ रहा है, क्या वजह? सो मैं पहले आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप कंटिन्यूसली हमारा जो पूर्वानुमान है, सतर्क सूचना है, सभी के पास पहुंचाया। जैसे वल्नरेबल कम्युनिटी फिशरमैन है, फार्मर्स है और जो मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जैसे पोर्ट्स है, इंडस्ट्री है, मेरीन एक्टिविटी है और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो एक्टिविटी होता है, कम्युनिटी एक्टिविटी होता है, सभी का सुरक्षा के लिए आप सभी ने प्रमुख भूमिका लिए हैं। मैं हार्दिक रूप से आप सभी को अभिनंदन देता हूं
और धन्यवाद देता हूँ। एक सवाल, ये क्यों इतना फ्रीक्वेंट साइक्लोन आ रहा है? अम्फान आया था, ये कोई इशू है क्या? जो साइक्लोन अभी नॉर्थ इंडियन ओशन में डेवलप हो रहा है, आपण माने वर्तमान शुणुले आईएमडी महानिर्देशक मृत्युंजय महापात्र प्रतिक्रिया एवं जहां वर्तमान सठिक समय रे सठिक सूचना मिली थी बारु राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार गुड़िक जो त्वरित पदक्षेप नहींचंती जेकोसी बात्या होना कहीं तो से नहीं कि धनजीवन हानि मात्रा कम अच्छी से धन्यवाद देखते समस्त पूर्वर आरब सगर जो सृष्टि होता ताउते बात्या ताउते बंगोपसगर सृष्ट वर्तमान यश बात्या दुईट मध्य तुलनात्मक विश्लेषण मध्य करिथिले आईएमडी डीजी एवं से नहीं कि सविशेष सूचना देउथिले। मुरटने आगो को मध्य देखिबा ए संपर्कित खबर किंतु ता पूर्व निजबा एक छोटो बिरति जैछि बात्या यस देबे बात्या समय रे केंद्रापडा तालचुआ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रो आसीछि एक भल खबर। यस मुकाबला पई जिला प्रशासन पक्षरु समस्त आसन्न प्रसवांको निकटस्थ स्वास्थ्य केंद्र रे रखा जाइथिला। गतकाली बात्यार प्रकोप वृद्धि पाउथिबा बेले स्वास्थ्य केन्द्र रे जने शिशुकन्या जन्म नेइछि। तळचुआ थाना अंतर्गत रंगणी पंचायत हरिण पोखरी गाँव सौम्यरंजन बैरागी एक शिशुकन्या जन्म होइछि। उभय सौम्यरंजन एवं तांक पत्नी सरस्वती शिशुकन्यार नाम यश रखिछन्ति। बात्यायश्र लैंडफल प्रक्रिया शेष होइछि एने सूचना देइछन्ति एसआरसी प्रदीप जेना। बाहनागा बालेश्वर सदर और रेमुणा दे बात्या अतिक्रम करिछि। अतिक्रम करिबा बेले पवन बेग घंटा प्रति 140 रु 145 किलोमीटर रहिथिला। सकाळ 10:30 रु 11:30 मध्ये उपकूल अतिक्रम करिछि बात्यायश और प्रभाव में बालेश्वर में बेसी क्षयक्षतिर सूचना नहीं किंतु नीलगिरी में अधिक गछ भांगिछि। नीलगिरी में 90 रु 100 किलोमीटर बेगरे पवन होइछि। जगत सिंहपुर जाजपुर और केन्द्रापड़ा विशेष क्षति होइनाही। जाजपुर जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा संध्या सुधा रास्ता सफा करा जिवो। बाहनगा रेमुणा और धामरारे गाँ भितर पानी पशि। भद्रक में पवन कमिबा परे रास्ता सफा काम आरंभ होइछि। तबे सिमिलीपाल अंचल में वर्षा जारी रही। आगामी 12 घंटा मयूरभंज पई गुरुत्वपूर्ण। मयूरभंज में 100 रु 110 किलोमीटर बेगरे पवन बहुचि। बात्यारे कौनसी कोविड हॉस्पिटल क्षतिग्रस्त होइनाही। समस्त कोविड हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सेवा ठीक ठाक चली। भद्रक में पुनरुद्धार एनडीआरएफ ओड्राफ और अग्निशम टीम नियोजित होती। बालेश्वर और केन्दुझर गछ पड़ दुई जनकर मृत्यु होता खबर मिली। तेज मृत्यु संपर्क में स्थानीय प्रशासन जांच करुवा एसआरसी कहते। पापाग विज्ञान विभाग कहवा कथा आगामी 3 घंटे बालेश्वर में 90 रु 100 किलोमीटर बेगरे पवन बह। परवर्त 6 घंटा 60 रु 70 किलोमीटर बेगरे पवन बहार संभावना अच्छी। उपकूल जिलागुड़े 20 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा होवार संभावना अच्छी। आगामी 12 घंटा जाए प्रबल वर्षा लग रहा संभावना अच्छी। तेज उपकूल में तापमात्रा कमार बात्यार बेग कमिला बोली पानीपाग विभाग कही। बर्तमान जो स्थित रोचे आमर जो थिला वेरी सीभीयर साइक्लोनिक स्टर्म ता दुर्बल हो सीभीयर साइक्लोनिक स्टर्म में परिणत जोटा कि गोटे स्टेज तले रोचे कारण जो आम स्थलभाग छुँची सेत जलीय बाष्पर परिमाण साधारण तो कमी जाए से आपणकर दुर्बल होता है जो बात्याटी। तो वर्तमान जहाँ रोचे आमर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे बालेश्वर ठारु पखापाखि 25 किलोमीटर दूर रोचे एवं बारीपदा जोटा कि मयूरभंज डिस्ट्रिक्टर दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिगरे बारीपदा ठारु 35 किलोमीटर दूर रोचे। गत तेरे एने अधिक अपडेट ने भुवनेश्वर एसआरसी कार्यालय को जी से अच्छा प्रतिनिधि महेश प्रसाद नंद। महेश, वर्तमान बात्या यश लैंडफॉल प्रक्रिया शेष हो सारी। बात्या यश गलापर पछरे छाड़ जाइए बहुत गुड़िए विपर्यय स्थिति और वर्तमान क्षयति नहीं कौन आकलन करूचना मिली एसआरसी अफिश्रु देखा जदि बात्या यश छाड़ जाइए। वर्तमान किसी समय पूर्व एसआरसी तरफ आउ एक बुलेटिन जारी करपष्ट भाव में निर्देश दि जाइए जे जो मैंने स्थानातर कर मागणा रंधा खाद्य जगैदे सहित जदि कह जो मानकर पलिथिन जो मान आवश्यक घर भांगी जाइए से पलिथिन जगैदे नहीं कि सहित जब कह 24 घंटिया कंट्रोल रूम खोला रहा
जो माने कंट्रोल रूम खोला रहा सहित जेहेतु 27 तारीख पर्यंत रहुची आस 27 तारीख 8:30 पर्यंत वर्षा होबार संभावना रहुची से नै कि मध्य रेड वार्निंग जारी करा जायची एवं जो रेड वार्निंग जारी करा जायची से जिला गुडीक होउची बालेश्वर भद्रक जाजपुर केंद्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक मयूरभंज केउंझर ढेंकानाल ढेंकानाल ये जिला गुड़िक रेड वार्निंग जारी करा जायची एवं ये सब भितर जदि कह जो क्षय क्षति कथा जहाँ कहु 6:30 बेले SRC पुणी थे 6:00 प्रेस ब्रीफ करेंगे और से नहीं कि जहाँ अपडेट तथ्य जहाँ अच्छे से नहीं कि रखिए किंतु जदि विशेष क्षय क्षति जदि कोई जगह जीवन विशेष नष्ट जीवन जाइना किंतु जो ये क्षय क्षति से जनित जदि किसी घटना घटना तेज दुई जन मृत्यु होता अभोग मृत्यु होता अभोग आनापड़ी तासहत जो कह जुआर पा पशिक बहु घर नष्ट हो जाए बर्तमान जो बुलेटिन जारी कर SRC तरफ जो से कहुई जो लोक मान स्थानातर कर मगणे रंधा खाद्य जगै दिया जा सहित जो मैंने वर्षा जेहेतु आसंता का सका 8:30 पर्यंत प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हो जो जिला गुड़िक कथा पूर्व कहती जिला गुड़िक रेड वार्निंग जारी कर वर्षा जो छाड़ लोक मैंने साधारणतः निज निज घर को जिबे और से समय आवश्यक जदि पड़े जो पॉलीथिन जगै देवा जगै दिया जाने कि जिलापा निर्देश दि जाए 24 घंटिया कंट्रोल रूम को कंट्रोल रूम जमी 24 घंटिया खोला रहा अभियोग मात्र लोक तुरंत त्वरित सागई दि जाने प्रभाव विभिन्न गाँ गंडार एवं जमी बाड़े वर्तमान पानी घेर अच्छी पानी सेठारे लहड़ी मारुची एवं पुणी पूर्वानुमान करा जाउची आगामी दुई दिन पाखापाखी प्रबल वर्षा नहीं मध्य पूर्वानुमान करा जाउची SRC कार्यालय तरफ से सूचना मिली कि बन्या आशंका नहीं देखो जितेबाला बात्या जनित जो वर्षाटी होता है से फ्लाश फ्लोर सृष्टि करें जेहेतु पूर्णिमा रहुची तेणु समुद्र पानी टाणी न था से तार प्रभाव रे जेहेतु ये फ्लाश फ्लोर देखा मान फ्लाश फ्लोर हम एवं या कि जल संपद या पूर्व बंदिता आपण मन थे जल संपद विभाग एने की स्पष्ट करें गोटे कंट्रोल रूम खोल जाए पूरा मॉनिटरिंग करपाई जो कथा कहा जे पंप सेट ठू नहीं कि जो जनरेटर सब जिन से रखी थे फ्लाश फ्लोर को किभली भाव में नियंत्रण कर एवं जो पूर्णिमा रहुची तेणु समुद्र पानी टाणी पानी टाणु नथिबारु ई जो जुआर गुड़िक उठिब ता सीधा सड़क घर भितर पशिब एवं ताहा मध्य देखिबाक मिलिछि जे जुआर पानी किभली लोकक घर भितर पशुछि एवं जेहेतु ए जो जुआर पानी घर भितर पशुछि एवं जो गुड़िक कच्चा घर चाल छपर घर से गुड़िक संपूर्ण भाव में नष्ट हो जाऊँगी कह बाहनागा रेमुणा और बालेश्वर सहित धामरा अनेक गाँव में पा पशि अनेक जगार वाटर लगिंग बात्या जो क्षय क्षति कह बहुत गच भांगी जुआर पा आसिक बहुत घरे पा पशिक घर सब भांगी और वाटर लगिंग रही जेहेतु वर्षा आहरी हबार वर्षा हम रेड वार्निंग जारी करो फ्लाश फ्लोर निश्चित भाव में हबार संभावना रही जल संपद विभाग तरफ जो पूर्व प्रस्तुति जहाँ कर जो टीम मैंने गठन करते से टीम कि जो जल को निष्कासन कारण पूर्णिमा पर ही जल स्वाभाविक भाव निष्कासन जेहेतु पूर्णिमा रोचे ये फ्लाश फ्लड देखा पुणी वर्षा अनवरत जारी रही तेणु जल संपद विभाग ये नहीं कि पूर्व जो जना था जे गोटे पूर्णिमा रोचे तेणु समुद्र पानी टाणी ना तेणु ताक दृष्टि रखिक से पूरा जो इंजीनियर ठू नहीं कि निजे जल संपद विभाग सचिव बैठक करते से नहीं कि EIC जी रही जल संपद विभाग से जो सूचना फ्लाश फ्लड को किभली नियंत्रण करा से नहीं कि पूरा जो स्थानीय जो कंट्राक्टर ठू नहीं कि जो जहाँ जो उपाय जल निष्कासन कर सब कु नहीं कि गोटे रोड मैप करते से हिसाब से कार्य करेंगे एवं सब भितर किंतु जो घर जो क्षय क्षतिर जेहेतु प्राथमिक पर्यायर जो प्रिलिमिनरी स्टेज रे गोटे क्षय क्षति रिपोर्ट आसी था ता बोध हुए 6:30 समय जो SRC जो प्रेस वर्तमान प्रेस मीट करबा बेले SRC से नै कि सविशेष सूचना दे पारंती किंतु वर्तमान रेस्टोरेशन काम उपर प्राधान्य दिया जाउछ अन्य पटे जो माने बात्या आश्रय स्थली रे आश्रय नै छथि समानक उपयुक्त व्यवस्था करबा को खाद्य पेय नै मध्य निर्देश दिया जाय सारी छि धन्यवाद महेश सविशेष आलोचना पई
तेज बात्या परे उपकूल ओडिशा वर्षा जारी रही प्रतिक्रिया रखिंट जलसंपद सर्वोच्च जंत्री ज्योतिर्मय रथ से कहते जोठी पा जमी से अफिसर अच्छा मयूरभंज शिमिपाल 146 मिलीमिटर वर्षा हो बुढ़ाबलंग सुवर्णरेखा वर्तमान पा ना मीडियम रिजर्वर भी खाली अच्छी तलिया अंचल को टीम जा बर्षा कमिवा काम आरंभ हो बालियाफल केन्द्रापड़ार एक अंचल सह प्राथमिक भाव किसी स्थान में वाटर लगिंग आज पूर्णिमा अच्छी पा खेल जहां सामान्य समस्या सृष्टि करिपे तेज बात्या को नहीं लोकों अभिज्ञता अच्छी गत काल 37 ब्लक में 100 मिलीमिटर वर्षा हो बन्या आशंका ना मध्यम धरण बन्या संभावना अच्छी बुढ़ाबलंग सुवर्णरेखा उपर नजर रखी कहते जलसंपद सचिव आम जो मयूरभंज कथा कह जेहेतु मयूरभंज आड़े बर्तमान सैक्लोन गला मयूरभंज बर्तमान आम शिमिपाल एरिया आम प्राय देखी 186 mm वर्षा होती किंतु बर्तमान पर्यंत आम बुढ़ाबलंग ड्राई अच्छी बारिपदार पा ना जमा सुवर्णरेखार पा जमा ना सुवर्णरेखार प्राय 0.6-2 feet खंडे पा अच्छे तेना बर्तमान सुधा आम पा पाइन तापर आम आगर आमर जहाँ सब मीडियम रिजर्वर थी सबुड़ आम डेप्लीट सब जाक कमे पा तेणु से गुड़ाक बर्तमान आम गेट बंद कर देचु जहाँ पा आस डेम रेणु आमर किसी बर्तमान असुविधा ना बर्तमान विपद ना आप जो कौन लो लाइंग एरिया गुड़ाक आमर अफिसर मैंने सब रेडी अच्छा से आम सब पठेचु पूरा आम टीम पठेचु बन्या आशंका ना आपड़ शुणु मीडियम फ्लड हम कि बड़धरण आम जो भावे बड़ से आशा ना पूर्णमी न सरला पर्यंत पानी पूर्णमी पर समुद्र में पा टाण बर्तमान एला 12 आप आज देखु काली सका जहाँ जहाँ आशा करेंगे का सका आज राति 12 प्राय आप जहाँ भी इट इज विपद रहा लैंडफॉल परे उपकूल अतिक्रम करुछि बात्या य शेयर प्रभाव परे मयूरभंज जिले में व्यापक क्षयति होइछि प्रबल वर्षा संग को पवन गति बढ़िबार लागिछि रास्ता उपरे विराट विराट गछ उपड़ी पड़ी केउठि चाल छपर उड़ी जाइछि त आउ केउठि माटी कामुड़ी पड़ी विराट गछ वर्षा पवन जो जिले में व्यापक क्षयति होइछि आईएमडी महानिर्देशक कहिछन्ति कि मयूरभंज में पवन वेग घंटा प्रति 100-110 किलोमीटर रहिब संध्या पर्यंत यस्र प्रभाव रहिब अधिक आलोचना करिबा सीधा सड़क जा मयूरभंज प्रतिनिधि रवींद्र नायक निकट को रवींद्र दिन जमी पाग थिला धीरे धीरे संध्या हो आसुची पागर किछि परिवर्तन निश्चित रूप देखते बंदिता पगर परिवर्तन होची गोटे पटे कहीपर पवन धीरे धीरे होची किंतु वर्षा जैसे कमी जाइए किंतु कहीपर यसर प्रभाव में जनकर जदि ताजा सूचना जनकर जन मृत्यु घटी जहाँकि सी होती मयूरभंज जिला मोरडा ब्लॉक अंतर्गत कुसुमकुटी ग्रामर बुदन सिंह जैसे कांथ पड़ जाए पंडित रघुनाथ हस्पिटाल अणाई चिकित्सित अवस्था तक मृत्यु घटी जहाँ सूचना रही तेज गोटे पटे कहीपर जो भाई भाव में मयूरभंज जिले में 424 जो बात्या आश्रयस्थल रही 86,000 ऊर्ध लोक से आश्रय कर दिखाई अनेपटे कह जो बुढ़ाबलंग नदी एवं जो रही सुवर्णरेखा दुईटी जो नदी जो भाई फुलूँ से अंचल जो भाई लोक रोते से अंचल को जाकि जिलापाल एवं एसपी एवं अन्य अधिकारी मान जा लोक रेस्क्यू करते कि भाव में बात्या आश्रयस्थल रखा जाए बुझे रखी अनेपटे कहीपर जेहेतु आगामी 10-12 hours निश्चित रूपे विपद रही मयूरभंज जिला को कारण यसर प्रभाव रेबे लोक मान सतर्क सूचना जारी कराई तेज गोटेपटे कहीपर बात आश्रयस्थल लोक कोविड सचेतनता रक्षा करोड की मानिक लोक मैंने रे अनेपटे शुखला खाद्य कतु आरंभ कर एवं कोविड्र जो रही सामंजस्य जहाँकि मास्क एवं सानिटाइजर एवं किभर भाव सामाजिक दूरता मान रही है व्यवस्था कराई अनेपटे कहीपर से रधा खाद्यर व्यवस्था कराई तब देखा यसर प्रभाव जो भाव में वर्षा लगि रही है गत काली आज पर्यंत धीरे धीरे बर्तमान वर्षा कमी कि कपियोदा अंचल एक अंचल जहाँकि वर्षा पा पशि से मठ अंचल पशि लोक घर पशि तेज गच्छन ब्लक पशि गच भांगी कारण 4 ब्लक गच्छ भांगी रासनपुर ब्लक मोरडा बारीपदा बेतरडी अंचल गच्छ भांगी घर भांगी ता सूचना रही है और फायर जो अग्निशम विभाग अधिकारी थे एनडीआरएफ जो अधिकारी थे से भांगी थे मानते गच्छ भांगी थे गच्छ को हाणी थे और गच्छ रास्ता हटे थे अनेपटे कहीपर पुलिस अग्निशम विभाग अधिकारी एनडीआरएफ मैंने मिलमिश कम करते कम देखा मिलता
अनेपटे कहीपर जो भाया भाव बुढ़ा बड़ंग नदी धीरे 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 फुलू तेज विपद रही तेज सेठिकार अन्न जो लोक मैं सतर्क सूचना जारी रही तेज कह जिला प्रशासन संपूर्ण रूप सतर्क सूचना जारी कर चुंगा मध्य प्रचार कर जो लोक मैंने नदीकूल रही जबरदस्ती से आसत अनुरोध कर कि एतिक समय सुधा एत जन लोक ट्रांसफर करवा कि स्थानातर करत्या आश्रयस्थल को से टार्गेट बर्तमान पूरण कर सारा ना कि लोक रही अमानिया जो मानक बुझाशुआ प्रक्रिया जारी रही निश्चित रूपये वंदिता निश्चित रूपये ये गोटे भल क्वेश्चन कारण जो भाया भाव जिला प्रशासन रखी था 40 जन 40 हजार लोक स्थानातर करने कि सब बड़ कथा 46 हजार ऊर्ध लोक स्थानातर कर समय बाकी अच्छी आ कि समय जिला प्रशासन तार संपूर्ण भाव कहे के एवाकुएट करेंगे कि जहाँ जमापड़ 46 हजार ऊर्ध लोक एवाकुएट कराई कि जिला प्रशासन गत काल आज पर्यटन कहीपर संपूर्ण रूप कार्य लगी कि भाव यश मुकाबला यश बात्या मुकाबला करवा तेज कहीपर बात्यार जड़े प्राणहानी घटे आगु प्राणहानि न घटिब ता जिला प्रशासन नजर रखी और जिला प्रशासन रही लोकप्रतिनिधि प्रतिनिधि मान रही खबर दिखाई जरूरकालीन जो नंबर जारी कर विभिन्न ब्लक तेरह ब्लक जो विपद रही कहती जहां राशनपुर मोरडा और उदोला कप्तीपदा विभिन्न बेतनटी बड़साई बारीपदा कुलियाणा विभिन्न ब्लक विपद रही से ब्लक विभिन्न जरूरकालीन जो नंबर जारी कराईटिका लोकप्रतिनिधि आरंभ कर रही प्रशासनिक अधिकार समस्त से नंबर को रखिंट कारण जो असुविधा हम से विभिन्न गांव और विभिन्न लोक मानक प्रशासन अधिकारी मैंने सीधा साल जोजोग करेंगे तेज लोक प्रतिनिधि आरंभ कर प्रशासनिक अधिकारी समस्त तप्तर कि अच्छा जदि कौन असुविधा है समस्त लोक मानक करेंगे अनेक गोटे कहीपर कि भाव में लोक मैंने हरान न हूँ क्षयति जीवन हानि न घटे ता प्रशासन दृष्टि रखी और पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन मिलित अनुकूल काम होपर जहाँकि उपजिलापाल जो एसपी निजे कलेक्टर सका सन्ध्या पर आम देखते विभिन्न अंचल बुलूते लोक मैंने बुझाशुरा करते जो लोग अमानिया जाऊन से बुझाशुरा करते कि भाव में बात्या आश्रयस्थल को जीवे और से रही है आलोचना करते निश्चित भाव में रवींद्र धन्यवाद सविशेष सूचना वर्तमान जो कथा आईएमडी तरफ कई आगामी 12 घंटा मयूरभंज जिला गुरुत्वपूर्ण और 12 घंटा को टार्गेट रखा जाइछि जो मानकु तळी अंचल रे अछन्ति समानकु उपर स्थानकु किंबा बात्या आश्रय स्थली को समानकु स्थानांतर प्रक्रिया मध्य जारी रहिछि लोक मानकु बारंबार सतर्क रहिबाकु कहा जाउछि एवं पवन रो बेग वर्षा मध्य धीरे धीरे बढ़िबार लक्ष्य करा जाइछि। समय हो जाइछि नै जेबा एको छोटो बिरती।